तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी जियो सिम यूज़ कर रहे हो, अब यहाँ पर आपके जियो सिम में आपको नेटवर्क यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, आपके नेटवर्क्स नहीं आ रहे आपके फ़ोन में, तो ऐसे में गाइस आप क्या करोगे आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चले गए नेक्स्ट देर के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो यहाँ पर सिम है, दोनों में अच्छी तरीके से नेटवर्क आ रहे हैं और दोनों ही जियो की है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे अपने यहाँ पर पाँच के पाँच यहाँ पर स्टिक जो है लाना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इजी स्टेप्स में आपको बताने वाले, सिर्फ आपको वो करने और यहाँ ये करने से आपके जो है इसी तरह से नेटवर्क आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जिससे आपके नेटवर्क जो है यहाँ पर मोस्ट चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके नेटवर्क वापस आ जाए, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बार में आने, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड का। अब यहाँ पर आपको नहीं से ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसे 5 से 10 सेकंड तक चालू रखना है, ठीक है। कुछ लोग अगर इसे ऑन करके तुरंत ही बंद कर दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता, आपको 5 से 10 सेकंड इसे ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद हम इसे क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको 5 से 10 सेकंड हो जाए इसे बंद कर दीजिएगा। अब ये सेटिंग जो है कुछ फ़ोन में फ्लाइट मोड नाम से भी हो सकती है, देख लीजिएगा। अब ये सेटिंग अगर आपको यहाँ नहीं मिलती तो फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाइए, नीचे आइए, आपको यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो एयरप्लेन मोड। अब हम क्या करेंगे, मोर कनेक्टेड ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एयरप्लेन मोड। अब गाइस यहीं पर हमारी दूसरी सेटिंग है, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, यहाँ पर आइए, अपनी सिम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिम सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे मिलता है रीसेट सेटिंग। अब यहाँ पर जैसे आप एक काम करोगे, इससे सिर्फ आपकी जो सिम में कुछ दिक्कत हो रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपके कोई भी कॉन्टैक्ट वायर नहीं उड़ेंगे, ठीक है, ये काम आप कर लेना। अब कुछ फ़ोन में ये सेटिंग नहीं होती, ठीक है, तो उनके फ़ोन में हो सकते हैं रीसेट ऑल सेटिंग, तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद अगर आपके फिर भी नेटवर्क नहीं चल रहे हैं तो बाट फोन पे आइए, यहाँ पर आने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में अपडेट आ रखा है नहीं आ रखा है। अगर अपडेट आपने पहले से कर लिया है, फिर नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए। अगर ऑलरेडी कर लिया तो यहाँ पर कुछ सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, मोबाइल नेटवर्क पर आएंगे, अपनी सिम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिम सिलेक्ट करने के बाद हमें मिलते हैं यहाँ पर प्रेफर नेटवर्क टाइप, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद अगर आपका फ़ोन 5G और 5G सेलेक्ट कर लीजिए, अगर फ़ोन फोर जी है तो LTE सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक काम करने के बाद बैक आइए, बैक आने के बाद अब बता देता हूँ आगे आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं मेरी सिम में एक्सेस पॉइंट नेम आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी सेटिंग करनी है हमें। APN हो सकता है आपके फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद नीचे मिलता है रीसेट, आप इसे रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने के बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, पावर बटन दबाना है और फ़ोन के यहाँ से रीबूट कर लेना है। तो बस ये कुछ सॉल्यूशन थे जो मैंने आपको बता रही है, करने से आपके 110% नेटवर्क वापस आ जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि आपके फ़ोन में रिचार्ज ना हो और आपने ध्यान ना दिया हो, ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज है तो ये कुछ सेटिंग मैंने आपको बताई करके देखिएगा, इससे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस आज के में इतना ही बताना था, आई होप आपको अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।